सभी को नमस्कार इस प्लैनेट टॉक की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और उसके इम्प्लीमेंटेशन के स्ट्रेटजी के लिए कि कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इम्प्लीमेंटेशन में क्या हेल्प कर सकते हैं और उसमें क्या बदलाव हमें करने हैं, इसके लिए आज हमारे साथ दो वरिष्ठ टीचर, मतलब वरिष्ठ इन द सेंस ऑफ आपका शिक्षा में बहुत अनुभव है और आप लंबे समय से एक प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं। तो सूर्य प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रियंका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सूर्य प्रकाश जी 22 जुलाई 2015 से लगभग 2015 से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं, आपको लगभग 5 वर्ष हो गए हैं और आप हरिद्वार के एक वेल रेपुटेटेड स्कूल में आईटी टीचर का कार्य देख रहे हैं। प्रियंका जी डीएलएड जी, उसके पश्चात आप भी लगभग 12 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आप भी हरिद्वार और ऋषिकेश के इन बिटवीन एक स्कूल में आईटी टीचर हैं और आप दोनों लोग विद्या भारती उत्तराखंड के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के आईटी कोऑर्डिनेटर का कार्यभार संभालते हैं। आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आज हम लोग इस वेबिनार में, मैंने पूर्व में भी चर्चा की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर कुछ चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या आपको चीजें उसमें अच्छी लगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में पहली शिक्षा नीति आई, उसके बाद 1986, फिर 1992 में छोटा सा बदलाव किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2014 के मैनिफेस्टो में इसका जिक्र था कि वो एक नई शिक्षा नीति लेकर आने वाले हैं, जिसकी पहली समिति का गठन स्मृति जी ईरानी जब शिक्षा मंत्री थी 2015 के समय, उस समय गठन भी हुआ, उस समय टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कमिटी बनाई गई जिस पर सजेशन मांगे, तो कुछ ज्यादा उसमें निकल कर नहीं आया, परंतु बाद में प्रकाश जावड़ेकर जी के समय इसरो अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में एक जो कमिटी बनाई गई, उस कमिटी द्वारा जो ड्राफ्ट कैबिनेट को दिया गया, शिक्षा मंत्रालय को दिया गया, वही 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनकर मोदी कैबिनेट ने पास की और उसमें कई सारे मेजर बदलाव हुए, जिसमें मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया, अपना जीडीपी रेशियो जो शिक्षा में लगेगा 1.6 की जगह 6.6% किया गया और पूरे स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म किए गए शिक्षा के, उसमें बहुत सी चीजें हम आगे चर्चा करेंगे। तो सूर्य प्रकाश जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न यह है कि जो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसके कौन से बिंदु आपको सबसे अच्छे लगे? सूर्य प्रकाश जी, ठीक है। हाँ जी, नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। पिछले काफी साल से ये शिक्षा नीति में बदलाव का दौर देखा जा रहा था कि इसमें कुछ बदलाव आएगा, तो ये 2020 में जाके ये संभव हो पाया। इसमें जो मुझे प्रमुख बिंदु नजर आया वो है कि शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा में हो, स्थानीय भाषा और मातृभाषा को इसमें जोड़ा गया है। इससे क्या होगा कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी होगी और बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि छोटा बच्चा क्या है, सबसे पहले घर से सीखता है, तो स्थानीय भाषा पे ज्यादा जोर दिया गया, जहाँ पे दो भाषाएं हैं, कहीं पे ऐसा है कि स्थानीय भाषा अलग है और मातृभाषा अलग है, तो वहां दोनों भाषाओं को प्रमुखता दी गई है कि दोनों भाषाओं में ही क्या हो, शिक्षा हो। इसके अलावा जो एक और था, शिक्षा का अधिकार, आरटी, राइट टू एजुकेशन, ये इसमें कुछ इसके दायरे को कुछ बढ़ाया गया है। इसमें क्या था पहले कि 6 से और 14 साल के बच्चों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, उसमें बहुत सारे नियम थे सरकार की तरफ से, तो अब इसका दायरा बढ़ा के 12वीं तक कर दिया गया है। तो ये भी जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं जो कि अपने बच्चे पे ज्यादा खर्च नहीं कर पाते शिक्षा पे, तो ये उनके लिए फायदेमंद होगी। इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा, हम लोगों ने, अभिभावकों ने, बच्चों ने अभी तक तकनीकी शिक्षा के बारे में ज्यादा नहीं जाना था,
केवल हम किताबी ज्ञान से मतलब रखते थे और जो अध्यापक करवाया उससे ज्ञान रखते थे, लेकिन अब इसको तकनीकी ज्ञान से जोड़ दिया गया है। फोन हो, फोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, ऐप, विभिन्न ऐप के माध्यम से अब शिक्षण कार्य होगा। इससे क्या हो गया, बच्चे की जो सीखने की शक्ति है, क्योंकि हमने देखा है कि छोटे बच्चे टीचर से ज्यादा जो इधर उधर की चीजें है, चाहे फोन हो, उससे ज्यादा सीखते हैं। तो इसमें बदलाव आएगा और बच्चा अच्छे तरह से इसको कवर कर पाएगा। और जहां तक बड़े स्तर की शिक्षा की बात है, तो कक्षा 6 से मेरे ख्याल से ये वोकेशनल कोर्स, रोजगार पर कोर्स को शुरू किया गया है, जो कि बच्चे के भविष्य के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे और इसमें बच्चे का भविष्य जो है अच्छा बनेगा। हाँ प्रियंका जी, आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कौन से बिंदु सबसे अच्छे लगे? जी जी, सबसे अच्छे जो मुझे बिंदु लगे हैं वो लगे हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में जो है वह मातृभाषा में सिखाई जाता है, घरेलू भाषाओं में जोर दिया गया है, अर्थात 6 से जो 14 वर्ष तक की जो शिक्षा थी उसको अब प्राथमिक शिक्षा में करा गया है और मातृभाषा में सिखाया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि जैसे बच्चा घर से सीख कर आता है, उसे घर की भाषा जल्दी समझ में आती है कि वह माँ से सीखता है, तो अब उसी भाषा में बच्चों को आगे की शिक्षा दी जाएगी। और उसके बाद जो RTE का दायरा था, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चों को शिक्षा मुफ्त में दी जाती थी, वह अब कक्षा 12वीं तक की जो पढ़ाई है उसके लिए दी जाएगी। तो कि बच्चा जो कक्षा 12वीं में आएगा, आते आते तब तक उसकी जो पढ़ाई है वह मुफ्त में हो जाएगी, उसको किसी भी प्रकार का शुल्क आगे नहीं देना पड़ेगा, ना ही उसे उच्च शिक्षा लेने के लिए आगे किसी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे जो बिंदु हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी जी, वर्तमान समय में, जो वर्तमान समय चल रहा है, या पिछले एक साल की बात करें या पिछले कुछ समय की बात करें, उसमें जो ऑनलाइन शिक्षा है, कोविड के समय बहुत शिक्षा आपने देखी, मतलब टेक्नोलॉजी का अधिकतम यूज हुआ है कोविड के समय और चल भी रहा है, तो आपको क्या मुख्य समस्याएं लगती हैं ऑनलाइन शिक्षा को, मतलब पूरे नीचे तक पहुंचाने में? सूर्य प्रकाश जी। सर, जहां तक मैं भारत की बात करूं या अपने क्षेत्र की बात करूं, तो हमने कोरोना काल में देखा है कि इंटरनेट सेवा, इंटरनेट की जो सुविधा है वो सबसे बड़ी मायने रखती है। तो इसमें जो पहली समस्या हमारी आ रही है वो इंटरनेट की आ रही है, क्योंकि जो प्राथमिक जो हमारे विद्यालय जुड़े हैं वो गरीब तक, वो मध्यम वर्ग के बच्चों के साथ, तो ये पहली समस्या है। इसके अलावा जो हमारे पास बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे स्मार्ट क्लास, ई बोर्ड, उसकी व्यवस्था न हो पाने के कारण बच्चा ऑनलाइन शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहा है, तो ये समस्या है। इसके अलावा जो हमारे टीचर है, हमारे अध्यापक है, वो ई कंटेंट तैयार करने के लिए उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, यानी कि उन्हें बच्चों के लिए जो तैयार करना है बोलना है उनके लिए कोई प्रशिक्षण नहीं है, तो वो अपने स्तर से कराते हैं, जो कि इसमें एक समस्या बन के आता है ऑनलाइन कक्षा में ना, कभी वो कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता। और इसके अलावा जो मैं इसमें एक और समस्या देखता हूँ, कंपटीशन की भावना। हमारा क्या होता है, जब बच्चे एक साथ बैठते हैं तो हम उनसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि बेटा आप इसका जवाब दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए, लेकिन जब हमारे किसी ऐप के माध्यम से या उसके माध्यम से सब बच्चों की शिक्षा एक साथ होती है, तो उसमें वो भावना जागृत नहीं हो पाती है, कंपटीशन की भावना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब अपने आप को आगे नहीं रख पाते, मतलब क्लास में तो अच्छा बोलते हैं, हम जब उनको पढ़ाते हैं या उनकी क्लास लेते हैं तो उस समय तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा हमारा उत्तर देते हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो उस समय उनको ये दिक्कत आती है। और इस ठीक, आपने 3 बिंदु बताए कि अगर ऑनलाइन शिक्षा में जो मुख्य समस्या आ रहा है, पहला ट्रेनिंग, दूसरा इंटरनेट, और तीसरा हार्डवेयर यानी रिसोर्सेज, इन चीजों की पूर्ति होगी तभी हम नीचे तक पहुंचेंगे ई शिक्षा में। बहुत अच्छा, इसी पर प्रियंका जी आपकी क्या राय है कि वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या हैं?
जी सबसे बड़ी समस्या तो सर वो है कि अगर कोई निर्धन परिवार से कोई विद्यार्थी ताल्लुक रखता है तो वो सबसे पहले तो इतने महंगे उपकरण खरीद के ऑनलाइन शिक्षा कैसे प्राप्त करेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती की बात है। अगर उस पर शुल्क भरने के लिए ही पैसे नहीं है तो उनके फैमिली से वो लोग कैसे उपकरण खरीद के कैसे ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है ऑनलाइन शिक्षा में वो आती है भावात्मक पहलू। जो एक विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में भावात्मक पहलू रहता है कि बच्चा घर से आता है, टीचर से कुछ पूछता है, और अब ऑनलाइन में क्या है कि अगर बच्चा कुछ पूछना भी चाहता है तो वह उसको संकुचित रहता है कि वो कि पूछ पाता है, शर्म लगती है उसको कि अगर मैंने पूछ लिया तो कहीं डांट तो नहीं पिट गई, कहीं सामने के लिए बच्चे क्या सोचेंगे, तो वो चीज सबसे ज्यादा सामने आती है। और जो अध्यापक और विद्यार्थी के बीच की कड़ी रहती है वो मजबूत नहीं होगी, वो और कमजोर हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन में वो एक ही बार पूछ सकता है, बार बार अपनी जिज्ञासाओं को वो बंद कर देगा, वो उन पहलुओं तक नहीं पहुंच पाएगा जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। जी, तो आपने भी कहा कि इंटरनेट रिसोर्सेज और कनेक्टिविटी का जो एक कॉम्बिनेशन है वो अधिकतम होना चाहिए, उसके बाद ही हम ऑनलाइन शिक्षा में। जी सर, जी ग्रामीण इलाकों में तो जहाँ पहुंचना मतलब मुश्किल है तो वहां तक तो इंटरनेट की ब्रॉडबैंड की समस्या ही नहीं है। और क्योंकि टीचर्स के पास खुद स्मार्टफोन लैपटॉप नहीं होंगे तो वो विद्यार्थी तक कैसे शिक्षा पहुंचाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जी समझ रहा हूँ, आप लोगों का अनुभव बिल्कुल जमीन का है। आप अंतिम गांव तक आपके विद्यालय हैं और गांव के छात्र आप तक आते हैं, शहरी छात्र आप तक आते हैं, और उन तक आप लोग शिक्षा पहुंचाने में निरंतर लगे हैं, और उसमें आपको इन समस्याओं का सामना पड़ा करना पड़ा टेक्नोलॉजी में। अंतिम प्रश्न मेरा, हम सभी लोग पृथ्वी कुल एप्लीकेशन से जुड़े हैं, प्लैनेट स्कूल की जो एप्लीकेशन है, अब उसमें बदलाव हो रहे हैं और कोशिश है कि जैसे ही अगला 2021 आता है उसको नई शिक्षा नीति के हिसाब से उसका एक फाइनल वर्जन आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग आप उस एप्लीकेशन में क्या फीचर चाहते हैं, क्या विशेषताएं आप चाहते हैं कि उस प्लेटफॉर्म के अंदर डाली जाए? सूर्य प्रकाश जी। हाँ सर, ये पृथ्वी कुल 2020 की शिक्षा नीति की जो वेबसाइट है इसको वैसे तो बहुत अच्छा चल रहा है। विकसित करने के लिए मेरा एक सुझाव है इसमें कि हम इसमें सारे उत्तराखंड के, उत्तराखंड हो या हमारा गढ़वाल क्षेत्र हो, इनको सबको जोड़ के हम आपस में कनेक्ट हो जाए, ठीक, और समय समय पर हमारी जो है जैसे वार्ता होती रहे, और इनके बच्चों के लिए इसमें कुछ प्रोग्राम डाले जाए ताकि हम बच्चों को तक भी ये पहुंचा सके इसके बाद वेबसाइट को, और बच्चों को टाइम टाइम पे जैसे कंपटीशन का है, कुछ प्रतियोगिता करानी है, इसमें ये चीज आ जाए तो ये बच्चों तक जुड़ेगा, बच्चों से हमसे जुड़ेगा, अभिभावकों से जुड़ेगा, और हम सब लोग बच्चों से लेकर अभिभावकों से टीचर से लेकर सारे उत्तराखंड या सारे विद्या भारती से जुड़कर अपनी बात को रख सकेंगे और इससे जुड़ पाएंगे। धन्यवाद प्रियंका जी। जी, क्या मतलब जी फीचर साइड किए जाए? जी सर, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें टेक्निकल को ज्यादा बढ़ावा दिया गया कि टेक्निकल के माध्यम से ही बच्चे को आगे पढ़ाई करे जाए। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज होने चाहिए, छोटी क्लासेस में, एक्टिविटी क्लासेस में जो है कोर्सेज होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर कोई भी टीचर है वो क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाता है पर क्या वो ऑनलाइन क्लास में भी उतना अच्छा पढ़ा पाता है, तो इसके लिए जो लाइव कोर्सेज होते हैं उसकी भी एक क्लास होनी चाहिए कि ताकि किस प्रकार से अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाई जाए। अध्यापकों के लिए भी ट्रेनिंग की एक क्लासेस होनी चाहिए, बच्चों के लिए एग्जाम्स की क्लासेस होनी चाहिए, म्यूजिक की क्लासेस होनी चाहिए, आर्ट की लाइव क्लासेस होनी चाहिए, या फिर कहीं पर भी अगर लाइव क्लासेस उसको पब्लिश किया जाना चाहिए। एक्टिविटी कोर्स होने चाहिए, वोकेशनल कोर्स की भी क्लासेस होनी चाहिए सर, गवर्नमेंट एग्जाम से बच्चों के लिए फ्यूचर्स के लिए क्यूज होने चाहिए, और आगे वो जैसे बड़े बड़े ऐप में महंगी महंगी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी उनकी पढ़ाई के लिए कोर्स होने चाहिए, और उनपे क्यूज वगैरह लाइव कोर्स होने चाहिए, उनको शिक्षा के लिए कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, ताकि कोई भी वंचित ना रह सके कि इस ऐप के माध्यम से, जी अध्यापकों धन्यवाद, के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी। जी धन्यवाद। आपके व्यूज हम लोग कंटिन्यूअसली नोट कर रहे हैं, और जैसे भी इसका एक नेक्स्ट वर्जन नई शिक्षा नीति को इंप्लीमेंट करने के लिए, और कोशिश है कि 2021 के शुरुआती मंथ्स में ही हम इस एप्लीकेशन को पुनः एक
इसका नेक्स्ट वर्जन आप तक पहुंचाएंगे। आपके बिंदु मैंने पूरा सभी नोट किए हैं कि स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज, बच्चों को पढ़ाने के लिए कोर्सेज, टीचर्स की लाइव क्लासेस, ये सब कुछ उसके अंदर डाली जाए, इंक्लूडिंग ईआरपी के कुछ फीचर्स अभी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आप लोगों ने अपने स्पष्ट व्यू रखे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ कैसे सब चीजें कोलैबोरेट हो। आपने दोनों लोगों ने अपना बहुत बहुत समय दिया और अपने स्पष्ट उत्तर हम सब लोगों को बीच रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्ते। धन्यवाद।